फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करना वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों अगर आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं और दोस्तों उसे थंबनेल में या कहीं अन्य जगह पर यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। काफी अच्छी तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे चंद मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक दुबे और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की, दोस्तों फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोस्तों उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अब बात आती है कि आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे। दोस्तों रिमूव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों बैकग्राउंड इरेजर। इसका लिंक आपको यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। और दोस्तों अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और समझते हैं कि अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे चंद मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों उसे आप ओपन कर लीजिए। तो ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इसमें जो नीचे की तरफ लिखा है लोड अ फोटो, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने गैलरी में आ जाएंगे और जो मन कहे आपका दोस्तों वहां से आप अपना फोटो ले लीजिए। तो चलिए मैं भी अपना एक फोटो ले लेता हूं। और दोस्तों जब फोटो आप अपना ले लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है डन का ऑप्शन, उसे आप वहाँ से डन कर दीजिए। करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑटो का ऑप्शन, उसके बाद मैजिक, मैनुअल, रिपेयर और जूम। तो दोस्तों ऑटो का मतलब होता है कि आप अपने कर्सर को जहाँ पर भी लेकर जाएंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों मैजिक का मतलब होता है कि आपने जितना अपने फोटो को जहां तक रिमूव करना चाहते हैं, जैसे जैसे जहां जहां कर्सर जाएगा वो वहां वहां का दोस्तों आपके बैकग्राउंड को वहां से रिमूव कर देगा। और दोस्तों ये मैनुअल का मतलब होता है कि आप यहां जहां जहां मतलब जहां जहां आप अपने फोटो को बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, जहां जहां आपका कर्सर जाएगा वहां दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपके फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। और रिपेयर का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपसे कोई चीज़ फोटो का कोई गलती से आपका कोई पार्ट गलती से डिलीट हो गया तो उसे दोस्तों आप जब रिपेयर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो का बैकग्राउंड आपने गलती से डिलीट किया वो दोस्तों पुनः वापस दोस्तों वो पुनः उसी रूप में आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने सिर्फ आपको इसे टेम्परेली दोस्तों यहां पर दिखा दिया कि आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहां दोस्तों मैंने किया नहीं है क्योंकि जब करेंगे फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिर्फ मैंने आपको इसके टूल्स के बारे में बता दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से आप दोस्तों इसमें कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसमें आपको एक अच्छी चीज़ बता दूँ जिससे आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा और 1 से 2 मिनट के अंदर आपका फोटो दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहां का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो का और मैनुअल का। इससे दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिएगा, इससे दोस्तों आपका फोटो 1 से 2 मिनट के अंदर आपका फोटो जल्दी से तुरंत रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जब आपका फोटो बैकग्राउंड रिमूव हो जाए उसके बाद दोस्तों इसे आप डन कर दीजिए, स्मूथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप स्मूथ पर जब 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे तो आपको जो किनारे किनारे का आउटलाइन है वो दोस्तों वहां से रिमूव हो जाएगा। वो उसके बाद जब दोस्तों आपका प्रोसेस खत्म हो जाए उसके बाद उसे आप उसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर की तरफ कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है फिनिश का ऑप्शन, यहाँ से दोस्तों आप उसे फिनिश कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बात काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके दोस्तों तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों आप मेरा एक ब्लॉग वाला चैनल है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जहां पर मैं डेली लाइफ स्टोरी आप सभी के बीच शेयर करता रहता हूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको नए टेक्निकल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।